फिटारा ब्रेजा इंडिया में लॉन्च हुई थी मार्च 2016 में एंड ये अभी तक 4.5 लाख यूनिट से भी ज़्यादा सेल हो चुकी है और ये काफ़ी सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी रही है। लेकिन इसमें यहाँ पे कोई भी अभी तक बड़ा चेंज या फिर हम कह सकते हैं फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं करा गया। थोड़े बहुत चेंजेस करे गए थे जैसे कि डुअल टोन इंट्रोड्यूस करा गया, देन यहाँ पे आई क्रिएट आया, उसके बाद अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज हुआ था और AMT भी इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन कोई भी एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं करा गया। अब बहुत ही मेजर चेंज होने वाला है, ब्रेजा का फेसलिफ्ट आने वाला है जिसमें आपको पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, सारे इंजन BS6 मिलेंगे, न्यू डीजल इंजन भी मिलेगा, काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड होने वाले हैं एंड कॉस्मेटिक चेंजेस भी बहुत सारे करे जाने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। दोस्तों आज मैं आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में एंड इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर चेंजेस के बारे में। तो एक्सटीरियर में आपको बहुत ही मिनिमम चेंजेस मिलते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प मिलेंगे उसका डिज़ाइन चेंज है, आपको न्यू LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद न्यू डे टाइम रनिंग लाइट्स और ये काफ़ी स्टनिंग लुक दे रहे हैं। एंड ग्रिल आप देखेंगे तो पहले हमें सिंगल स्लैट ग्रिल मिलती थी, अब यहाँ पे डुअल स्लैट क्रोम ग्रिल अवेलेबल है जो काफ़ी और इम्पोजिंग लुक देगी। फॉग लैम्प हाउसिंग आप देखेंगे तो फॉग लैम्प हाउसिंग में पहले हमें फॉग लैम्प भी मिलते थे और टर्न इंडिकेटर भी मिलते थे, अब यहाँ पे फॉग लैम्प हाउसिंग में आपको फॉग लैम्प मिलेंगे लेकिन टर्न इंडिकेटर रिमूव कर दिए गए हैं। ऑल्सो जो फ्रंट में स्किड प्लेट है उसका डिज़ाइन चेंज है, बम्पर थोड़ा चेंज करा गया, स्किड प्लेट आपको काफ़ी बिग साइज़ की मिलती है। एंड साइड प्रोफाइल की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ORVM का डिज़ाइन ऑल्दो सेम है लेकिन जो अलॉय व्हील्स है वो आपको सेम साइज़ के मिलते हैं बट डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है। ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स दी गई है, मल्टी स्पोक मिलेंगे, अर्लियर यहाँ पे 5 स्पोक अलॉय व्हील्स अवेलेबल थे लेकिन जो अब आपको मिलते हैं वो और भी बढ़िया लुक दे रहे हैं। एंड रियर में भी आपको बहुत ही मिनिमम चेंजेस मिलते हैं, रियर में न्यू रियर बम्पर मिलेगा और साथ में जो टेल लैंप है उसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा। एंड अगर गाइज हम बात करें इंटीरियर्स के बारे में तो इंटीरियर में काफ़ी मेजर चेंज मिलता है, जो यहाँ पे फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, इक्विपमेंट की क्वालिटी, ओवरऑल जो डैशबोर्ड है उन सब की आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी अब आपको काफ़ी अप मार्केट और काफ़ी प्रीमियम मिलेगी। साथ में जो अपॉल्स्ट्री का डिज़ाइन है वो भी थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा, आपको फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री ही मिलेगी पहले की तरह लेकिन आपको न्यू डिज़ाइन की फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिलेगी। सो गाइस ब्रेजा फेसलिफ्ट में जो आपको बिग चेंज मिलेगा वो है इसके इंजन ऑप्शन में। अभी करेंटली अवेलेबल है 1.3 लीटर DDIS 4 सिलेंडर डीजल इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स जो है BS4 कंप्लायंट इंजन और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है। एंड आपको यहाँ पे दो न्यू इंजन मिलेंगे जो कि बोरो करे जाएंगे फ्रॉम सियाज और अर्टिगा। सो फर्स्ट है 1.5 लीटर DDIS डीजल इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स एंड सेकेंड आपको यहाँ पे मिलेगा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन K12B और ये भी आपको मिलेगा विद 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स। तो ये दो न्यू इंजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, दोनों ही होंगे BS6 कंप्लायंट। बट गाइस यहाँ पे जो ब्रेजा फेसलिफ्ट जब लॉन्च करी जाएगी तब आपको यहाँ पे पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, यानी कि 1.5 लीटर BS6 आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 1.5 लीटर BS6 डीजल इंजन है वो आपको बाद में ही मिलेगा। सो गाइज ये विटार ब्रेजा का जस्ट एक फेसलिफ्ट है, यहाँ पे आपको न्यू जनरेशन नहीं मिलती तो डायमेंशन में ऐसे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, ना ही यहाँ पे आपको कोई प्लेटफॉर्म के चेंजेस मिलते हैं, यानी कि सेम आपको सुजुकी का टेक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो है टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और ब्रेजा को मिली थी ग्लोबल एनकैप रेटिंग 4 स्टार्स। सो दोस्तों विटार ब्रेजा काफी फीचर लोडेड है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। एंड इन सारे फीचर्स के अलावा यहाँ पे ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई सारे और भी आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, एक्सपेक्टेड है कि रियर एसी वेंट भी ऑफर किया जाएगा, साथ में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा अब आपको मिलेगा स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन, 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट विटर्स, USB, AUX, ब्लूटूथ, ये सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे न्यू एंड प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा विद TFT MID डिस्प्ले और MID यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले शो करती है। सो गाइज ये सारे फीचर्स ऐड किए जाएंगे ब्रेजा फेसलिफ्ट में। एंड बात करें सनरूफ की तो जो ब्रेजा स्पाई हुई है टेस्ट होते हुए उसमें हमने सनरूफ नहीं देखी, यानी कि सनरूफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी स्पाई मॉडल में, हो सकता है बाद में सनरूफ इंट्रोड्यूस करे जाए लेकिन फिलहाल यहाँ पे सनरूफ एक्सपेक्टेड है कि नहीं दी जाएगी। एंड दोस्तों फाइनली बात करते हैं प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 7.3 लाख से लेकर 10 लाख
जो है एक शोरूम प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस है ये पेट्रोल का, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे पेट्रोल इंजन ही लॉन्च करा जा रहा है, डीजल आपको बाद में मिलेगा। एंड दोस्तों बात करें लॉन्च डेट के बारे में, तो ये लॉन्च होगी फेब के एंड में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में, ऑटो एक्सपो 2020 में इसको डिस्प्ले करा जाएगा। एंड उसके बाद जो फेब एंड है या फिर मार्च का फर्स्ट वीक है उसमें ये व्हीकल डेफिनेटली लॉन्च कर दी जाएगी। और दोस्तों एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पे अप्रैल 2020 के बाद जो भी न्यू व्हीकल सेल होने वाली है वो सारी होंगी BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ। एंड ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में जो डीजल इंजन आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर BS6 वो यहाँ पे मिड 2020 के आसपास लॉन्च करा जाएगा और ये भी अवेलेबल रहेगा विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। सो दोस्तों ये थी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की कंप्लीट डिटेल्स, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।